Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. So I'm back with another review video or you can say demo video, comparison video. इस वीडियो के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था 1.5-2 महीने पहले. तो सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी फॉर लेट, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही थी, नवरात्रि सीरीज चल रही थी, डेली वीडियोज़ आ रही थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ. देन उसके बाद मैंने यूट्यूब से 15-20 डेज के लिए ब्रेक लिया था. बट लेट हो सकता है लेकिन वीडियो आएगी ज़रूर. और दूसरी चीज़ कि इतना ज़्यादा प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों से ही मेरा चैनल है. आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी जाके मेरा चैनल ग्रो हो रहा है. तो बस आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, बस आप कॉमेंट करिए. अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर आएगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो. ऑल राइट गाइज, तो जिस प्रोडक्ट को आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ या जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, वो है ये एवर यूथ नेचुरल गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क. इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि मैंने ये सैशे क्यों ले रखा है, तो इस तरह के प्रोडक्ट मैं नहीं यूज़ करती. बहुत पहले कभी शायद मैंने 1-2 बार इसको यूज़ किया है, बट काफ़ी टाइम से मैं पील ऑफ मास्क नहीं यूज़ कर रही हूँ. तो मुझे लगा कि यू नो, अगर मैं पूरी की पूरी ट्यूब लेती हूँ तो मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी है. एंड ये जो है 15 रुपीज़ में आ जाएगा, 8 ग्राम्स की इसमें क्वान्टिटी मिलेगी, एक बार आप इसको यूज कर सकते हैं. इसमें वैसे 3 साइज और अवेलेबल हैं इसके अलावा, लाइक एक जो है वो 30 ग्राम्स का है, एक साइज 60 या 65 ग्राम्स का है, जो कि 100 के अंदर ही दोनों ही हैं. एंड एक जो है वो 80 ग्राम्स या कुछ का है, जिसका प्राइस जो है वो 135 रुपीज़ है. मतलब तीनों ही जो साइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है. तो अगर आप पील ऑफ मास्क यूज़ करते हैं तो आप उनको ले सकते हैं 3 साल तक. अगर आप कैप जो है अच्छे से टाइट करके रख देते हैं तो 3 साल तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप चाहें तो ये सैशे भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार आपको यूज़ करना है. देन ऐसा होता है ना, पील ऑफ मास्क अगर ज़रा सा भी ओपन रह गया, खुला रह गया, तो वो ड्राई हो जाता है, तो इसमें वो सारी झंझट भी नहीं है. एंड सैशे में भी सारी डिटेल दी हुई है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है. तो अब हम डिटेल्स देख लेते हैं. इट्स अ होम फेशियल 24 कैरेट गोल्ड, 15 रुपीज़ में 24 कैरेट गोल्ड. कोलेजन बूस्टर एंड ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट दैट वर्क्स वंडर्स ऑन स्किन. इट्स पील अवे डेड स्किन सेल्स एंड डर्ट फ्रॉम विद इन स्किन पोर्स, स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई एंड हेल्प्स टू बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन इन 15 मिनट्स. मतलब 15 रुपीज़ में 15 मिनट में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं. मतलब आज मैं 15 रुपीज़ में 24 कैरेट गोल्ड का स्किन केयर करने वाली हूँ, राइट. एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है गेट नेचुरल फेयरनेस विद अ गोल्डन ग्लो. आई डोंट नो ये फेयरनेस वाली चीज़ से इंडियन लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों है. एंड देन नीचे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूज़ लिखा हुआ है, आपको इसे कैसे यूज़ करना है. तो आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है. अगर आप के स्किन पे बहुत ज़्यादा डर्ट है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यू नो गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं. जब आप स्टीम लेंगे तो आपके पोर्स जो है ना वो ओपन हो जाएंगे. देन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली निकल आएंगे. स्टीम ले सकते हैं, या आप एक चीज़ और कर सकते हैं जो मैं आज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं स्टीम यहाँ पर नहीं ले सकती थी. अगर मैं स्टीम लेती तो मुझे अपने वॉशरूम में शूट करना पड़ता. आप एक बाउल में गर्म पानी ले सकते हैं, देन उसमें एक छोटा सा टॉवल लेके उसको ऐसे स्क्वीज करके इस तरह से, एंड देन यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है आप थोड़ी देर तक ऐसे करेंगे तो आपका जो पोर्स है वो ओपन हो जाएगा एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. दोनों ही तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये चारकोल मास्क, जो कि मैंने सोचा कि क्योंकि चारकोल पील ऑफ मास्क भी लोग यूज़ करते हैं और ये दोनों, तो दोनों को क्योंकि इस एक ही चीज़ के लिए वीडियो बनाऊं और दोनों के लिए बना दूंगी तो थोड़ा सा और भी हेल्प होगा, दो वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी ना. मैंने इतनी सारी चीज़ें सोची आप लोगों के लिए, तो ये मैंने लिया है और इसको मैंने ऑफलाइन लिया है. मैं जितनी भी शॉप पर जाती थी, मैं बोलती थी मुझे चारकोल मास्क चाहिए, तो मुझे यही मिलता था. लाइक ये मतलब 3 या 4 शॉप पे मुझे यही मिला है. एंड जब मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, एंड 4 इसकी रेटिंग भी है. इस पे जो है आपको सिर्फ बैम्बू चारकोल ऑयल कंट्रोल एंटी ब्लैकहेड मास्क क्रीम के अलावा कुछ भी इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेगा. ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, आई डोंट नो चाइनीज़ है या कोरियन है, मुझे नहीं पता है. आप लोग इसके लिए जज कर सकते हैं कि मतलब ये लैंग्वेज तक नहीं रिकग्नाइज़ कर पा रही हैं.
मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है। इसके अलावा इस पर कुछ भी इंग्लिश में नहीं है और ये 130 ग्राम्स का है और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ के अराउंड था। तो वैसे तो मैं ये भी नहीं यूज़ करूँगी बट रिव्यू के लिए मैंने लिया है तो मेरे लिए ये भी वेस्ट है। बट इसमें कोई शैशे वगैरह अवेलेबल नहीं था तो मुझे ये पूरा का पूरा ट्यूब लेना पड़ा। तो ये दोनों ही मैंने लिया है और आज मैं दोनों ही अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, दोनों के रिज़ल्ट दिखाऊंगी। इस तरफ जो है मैं ये वाला मास्क यूज़ करूंगी और इस तरफ मैं ये चारकोल मास्क यूज़ करूंगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मतलब आई डोंट नो, चाइनीज़ तो नहीं है, चाइनीज़ स्किन केयर पता नहीं, चलो देखते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है वाटर एंड ये टॉवल है और इसमें इसको डिप करना है और इस तरह से कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे यहीं पे नोज़ पे ही ब्लैक हेड्स होते हैं और कहीं पे नहीं होते तो मैं इसी एरिया को ज़्यादा यू नो कॉन्सेंट्रेट करूँगी इसी एरिया पे। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं सीजर से, बहुत ही थोड़ा सा करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा ये मेस हो सकता है। इस तरफ मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा थिक लेयर लगा ली है, थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगेगा तो आप देख लेना अपने हिसाब से ही लगाना। एंड इस साइड में ये अप्लाई करने वाली हूँ एंड प्लीज़ प्रे फॉर माय स्किन। रनी है, मतलब लाइक थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड है, इसको संभाल के लगाना पड़ेगा अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर सकता है। बहुत ही केयरफुली लगाना है, आईब्रो के ऊपर मत लगाना वरना आईब्रो से हाथ धो बैठोगे। 15-20 मिनट से मुझे ज़्यादा हो गए हैं एंड इससे ज़्यादा मुझ में पेशेंस भी नहीं है कि मैं वेट करूं। आई थिंक मैंने ना थोड़ी सी थिक लेयर लगा ली थी इस वजह से टाइम ले रहा है और इसको लगाने के बाद हम बात भी नहीं कर सकते तो इस वजह से थोड़ा सा बात करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इधर वाला तो ड्राई हो गया है, इधर वाला यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, चलो इसको निकालते हैं एंड जब तक इसको निकालेंगे मे बी यहाँ पे भी जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ड्राई हो जाए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ निकालना और बहुत ही ईजीली ये निकल रहा है, यू कैन सी। मुझे लगा था ये थोड़ा सा पेनफुल होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ना अभी गीला है, मतलब थोड़ा सा, तब तक हम इधर वाला निकाल के देख लेते हैं और मे बी फिर उधर ड्राई हो जाए। ये थोड़ा सा पेनफुल है, इसमें थोड़े थोड़े से ना जो फेशियल हेयर नहीं होते वो भी निकल रहे हैं चारकोल वाले में। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने फेस को क्लीन किया है फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, तो जो टॉवल मैंने पहले यूज़ की थी मैं उसी से क्लीन कर ले रही हूँ, ये थोड़ी सी वेट थी। इसको करने के बाद आपको अच्छे से फेस को क्लीन करना है और एक बहुत ही बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र लगाना है क्योंकि मेरी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है। इस वीडियो के बाद मैं जा रही हूँ अच्छे से स्किन केयर करूँगी और अभी देख लेते हैं कि कौन से पील ऑफ मास्क ने कौन सा काम अच्छा किया है, किसने यू नो क्या क्या काम किया है देख लेते हैं। तो इधर मैंने जो लगाया था वो एवर यूथ वाला लगाया था, येलो वाला, तो इधर मुझे ना थोड़ी सी ब्राइट लग रही है स्किन, आपको भी लग रही होगी ब्राइट और ग्लो लग रहा है, मतलब बहुत ही क्लीन लग रही है एंड इसको निकालने में ना पेन वेन भी नहीं हुआ। और अगर बात करें इधर की तो इधर जो है इसने डेड स्किन के अलावा मुझे लगता है छोटे छोटे हेयर भी निकाले हैं, मतलब ग्लो की बात तो नहीं कर सकते कि ग्लोई लग रहा है बट क्लीन बहुत ज़्यादा लग रहा है, लाइक जो चारकोल मास्क है उसने बहुत अच्छे से क्लीन किया है स्किन को, डेड स्किन वगैरह जो थी सारी निकाल दी है। इवन मैंने बताया था छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना उसने ये भी निकाला है, आई डोंट नो कैमरे में आएगा कि नहीं बट छोटे छोटे जो बाल, बहुत छोटे छोटे जो फाइन हेयर होते हैं उसको भी इसने निकाला है। तो चारकोल मास्क ने हेयर निकाला है, डेड स्किन निकाली है, बहुत अच्छे से फेस को क्लीन किया है और इधर जो है ग्लो बहुत अच्छा आया है एंड थोड़ी सी स्किन ब्राइट लग रही है। तो देख सकते हैं आपकी स्किन कंसर्न के हिसाब से आपको जो भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ये एवर यूथ वाला यूज़ कर सकते हैं या चारकोल वाला यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये चारकोल मास्क नहीं यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं कि चारकोल मास्क आप यूज़ करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लाइक वाव का है, गार्नियर का है, आई थिंक बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके चारकोल मास्क आपको मिल जाएंगे। थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं लेकिन यू नो आप अपनी स्किन के साथ इतना तो कर ही सकते हो, मतलब
ये आपको नहीं यूज़ करना है, आप कोई दूसरा चारकोल मास्क यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, ब्राइट, थोड़ी स्किन ब्राइट लगे, ऐसा चाहते हैं किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं लग, जैसा कि ये एवर यूथ की एड में आता भी है। बट ये 15 मिनट का प्रोसेस नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, लाइक उसमें जैसे लिखा कि 15 मिनट में पूरा एकदम से ग्लो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आधे घंटे आपको लग सकते हैं। तो देख लेना आपको जिस हिसाब से जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।